हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नागालैंड के भूमि पर एक ऐतिहासिक स्थल के बारे में बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो, एक बड़े बड़े चट्टानों के जो कि भाग दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली में ये जो भाग दिख रहे हैं, ये कोई चट्टान वगैरह नहीं है, ये है महाभारत के समय का एक प्राचीन ऐतिहासिक जो है ये पासे हैं। जिस वक्त ये पासे जो थे, ये भीम और घटोत्कच द्वारा जो है कि ये खेले जाते थे। अभी फिलहाल हम हैं नागालैंड के भूमि पर और यह जो स्थान है, यह स्थान डिमापुर में पड़ता है। कुछ नागालैंड के बारे में बताते हुए हम कहते हैं कि नागालैंड जो है कि भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य में ये स्थित है। इसकी राजधानी है कोहिमा। कोहिमा इसकी राजधानी है, जो समुद्र तल से लगभग 1444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। If we run late, this morning let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes. मेरे पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो पूरे तरफ जंगलों से घिर चुका है। यहाँ पर तमाम जो है कि पेड़ पौधे उग चुके हैं। यहाँ पे बगल में आप तमाम शिलाखंडों देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम बड़े बड़े जो है कि पत्थर हैं। यह पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है। इस पत्थर की वजन जो है लगभग 50 टन बताई जाती है। इस पत्थर की वजन लगभग 50 टन बताई जाती है और यह पत्थर कोई आम पत्थर और सामान्य पत्थर नहीं है। यह महाभारत काल के समय का जो है कि पासा है, जब भीम और घटोत्कच जो है कि यहाँ पर बैठकर पासे को खेला करते थे। देखिए यहाँ पर शिलापट है जो कुछ धुंधली सी हो गई है। कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, पर आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है दुर्ग अवशेष और एकास्मक समूह। प्राचीन कछाड़ी जनजाति ने, और ये क्या लिखा है, ये मिट चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है 10वीं शताब्दी ईस्वी में क्या लिखा है ये सब नहीं पता। नदी और किनारे इस दुर्ग का निर्माण कर अपनी राजधानी बसाई डिमापुर, जो कछाड़ी प्राची शब्द दी मन और पुर से निकाला है। ये बता दें आपको कि जो डिमापुर है, इसके अंदर कछाड़ी रूप भाषा में अगर हम इसको देखना चाहें तो डिमापुर जो है कि तीन अक्षरों से बना हुआ है। दी है, माँ है और पुर है। इन सबका अलग अलग अर्थ होता है। कछाड़ी के हिसाब में अगर हम अर्थ में अगर देखें तो इनका तीनों का अलग अलग अर्थ है। दी मतलब होता है नदी, माँ मतलब होता है महान और पुर मतलब होता है राज्य। यानी कि नदी, महान और राज्य, इन तीनों चीज़ों को मिलकर जो है कि यह डिमापुर का नाम का निर्माण हुआ है। और बाकी चीज़ आप सही तरीके से इसका अवलोकन करें क्या लिखा हुआ है। कछाड़ी जनजाति की विशेष उपलब्धि है। अधीक्षक पुरातत्व विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और यहाँ पर भी जो है कि कुछ बातें लिखी गई हैं भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लिखा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संरक्षित स्मारक। यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिकतम 1958 के 24 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। और यहाँ नीचे इंग्लिश में भी लिखा गया है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे। सर, कितने कष्ट उठाकर आप लोगों को महाभारत काल की चीज़ों का दर्शन कराने के लिए आए थे। बड़ा ही रिस्क है, नुकीला रड लगा हुआ है, थोड़ा भी इधर उधर होने से घायल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कुशल पार हो गए। आते हुए चलते हैं कि किस प्रकार का जो हालात है यह वक्त का सह रहा है। आप देख रहे हैं कि ये जो शिलाखंड है, जो एक यहाँ पर शिलाखंड दिख रहा होगा आपको, जो ये अभी गिर चुका है।
फिर गिरे क्यों ना, क्योंकि आज का तो है नहीं, यह ऐतिहासिक है। महाभारत का समय का बताया जाता है, यह बताया जाता है किसी स्थान पर जो है कि भीम और घटोकच बैठकर पासा खेला करते थे, यानी कि चेस खेला करते थे। और हमारे आगे आगे चल रहे हैं हमारे सर आरके सिंह, यही हमें यहाँ पर लेकर आए थे और इसका दीदार करवा रहे हैं।